सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। जनरल साइंस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कॉजेटिव एजेंट्स और उनकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे विटामिन्स पढ़ लिए, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट आज जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज होती है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, तो किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 पॉजिटिव एजेंट्स हैं और जिससे नंबर ऑफ डिजीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे हो रही है। अब सबसे पहले जो है बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं, वो एजेंट, इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। मींस कि अगर आपको कोई बीमारी है तो अगर आपसे पूछा जाए या आपको भी पता होना चाहिए कि वो आपको बैक्टीरिया से हुई है, वायरस से हुई है, प्रोटोजोवा से हुई है या फिर फंगस से हुई है। सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं, फर्स्ट है डिफ्थीरिया, गोनेरिया, कोलेरा मींस की हैजा, नेक्स्ट लेप्रोसी, टाइफाइड, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, नेक्स्ट इज टाइफाइड, टेटनेस, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस मींस की टीबी, वूपिंग कफ मतलब की कुकर खांसी या फिर काली खांसी जो हो जाती है, और या फिर न्यूमोनिया। ये कुछ डिजीज हैं जिसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है बैक्टीरिया। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, इनमें से आपको कोई डिजीज दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इन चारों में से किस में से हुई है, या फिर आपको बोला जाएगा कि कुछ जो 4 डिजीज दे रखे हैं इनमें से कौन सी वाली डिजीज किसी बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट इज वायरस, वायरस से होने वाले हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का मतलब होता है छोटी माता, स्मॉल पॉक्स मीन्स की चेचक, मीजल्स का मतलब होता है खसरा, मम्स का मतलब होता है कंठमाल का रोग, एड्स, इसकी फुल फॉर्म मैंने नीचे दे रखी है, आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको। नेक्स्ट इज येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा मींस की श्लेष्मिक ज्वर लाइक फ्लू, डेंगू फीवर, रेबीज या फिर पोलियो, ये सब वायरस की वजह से होती हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस का मतलब कि नींद ना आना या नींद की कोई ऐसी बीमारी हो जाना, फिर काला अजर एंड एम्योबिक डिसेंट्री, एम्योबिक डिसेंट्री का मतलब होता है अमीबी पेचिस। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगस, फंगस की वजह से एथलीट्स फूट मींस कि आप किसी भी पैरों में इन्फेक्शन हो जाना, फंगल इन्फेक्शन या फिर रिंगवॉर्म मींस की दाग। तो ये कुछ ऐसी डिजीज थी जिनके पॉजिटिव एजेंट्स मैंने आपको बताया। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा भी जाता है कई बार, तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। नाउ इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ मेडिकल टर्म्स दे रखे हैं जिनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। सो फर्स्ट वन इज एड्स, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है एचआईवी, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है कोविड 19 जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, कोविड, CO फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस एंड डी फॉर डिजीज एंड 19 इज ईयर, कोरोना वायरस डिजीज 2019। नेक्स्ट इज STD, इसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर सच मोर सच वीडियोज़।